एक गांव में बहुत धनी सेठ रहता था। गांव वाले उसे सब सेठ जमुना दास जी के नाम से बुलाते थे। वे बड़े परोपकारी और दयालु किस्म के व्यक्ति थे। वे गरीबों की किसी न किसी तरीके से मदद करते रहते थे, चाहे वो धन रूपी मदद हो या परिश्रम रूपी। इसी कारण गांव में कोई भी व्यक्ति मुसीबत में होता या पैसों की तंगी होती तो सीधे सेठ जी के पास आ जाते। जब भी कोई सेठ जी से कुछ मांगने जाता तो सेठ जी का मुनीम सभी से एक सवाल पूछता कि सेठ जी का कर्ज इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में। कुछ ईमानदार लोग बोलते जी हम इसी जन्म में सारा कर्ज चुका देंगे। वही कुछ बेईमान लोग सोचते कि अगले जन्म में कौन किसको जानेगा, हम तो अगले जन्म में ही चुकाएंगे। एक दिन दो चोरों को सेठ जी के बारे में पता चला तो वो दोनों भी चले गए सेठ जी के पास मदद मांगने। जब उनसे सवाल पूछा गया कि सेठ जी का कर्ज किस जन्म में चुकाओगे, दोनों चोर मन ही मन हंसे, उन्हें तो जैसे मजा आ गया। चोरों ने बोल दिया हम सेठ जी का कर्ज अगले जन्म में चुकाएंगे। तभी चोरों की नजर सेठ जी की तिजोरी पर पड़ी जिसमें ढेर सारा पैसा और सोना रखा था। दोनों को लालच आ गया। दोनों चोरों ने रात को तिजोरी चुराने का प्लान बनाया। दोनों चोर पीछे वाले दरवाजे से सेठ जी के घर में घुसे। तभी घर में कुछ उजाला हुआ तो देखा दोनों चोर भैंस के तबेले में छुपे थे। वहां दो भैंस आपस में बातें कर रही थी कि मैंने भी सेठ जी से पिछले जन्म कर्जा लिया था और कहा था कि अगले जन्म में चुका दूंगी। अब देखो मुझे सेठ जी के घर भैंस बनकर उनका कर्ज चुकाना पड़ रहा है। भैंसों की बातें चोरों ने सुन ली। चोरों को अब समझ में आ गया। वे सुबह होती मुनीम जी के पास गए और सारा धन वापस कर अपना नाम वहां से कटवा लिया और फिर चैन की सांस ली। जैसी करनी वैसी भरनी, कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। कर्मों का फल तो हमेशा भोगना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।